पंचकुला में पिंजौर में पुल संपर्क मार्ग टूटा। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का लिया जायजा। पिंजौर नालागढ़ रोड पर गांव मड़ावाला के समीप पुल का कुछ हिस्सा तेज बहाव पानी में क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके चलते औद्योगिक क्षेत्र बरौटीवाला नालागढ़ सहित पिंजौर ब्लॉक के दर्जनों गांव का संपर्क टूट गया। अब बद्दी और नालागढ़ जाने के लिए विकल्प के तौर पर कोई छोटा मार्ग नहीं है। यदि बद्दी की ओर से किसी ने आना है तो सिसवा रोड से होते हुए चंडीगढ़ होकर या फिर चितकारा यूनिवर्सिटी की ओर से होकर पिंजौर पहुंचा जा सकता है। वहीं कालका SDM रुचि सिंह बेदी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा का जायजा लिया। कालका के पिंजौर सहित आसपास के क्षेत्रों में बीती करीब 48 घंटे से ज्यादा समय से हो रही मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरस रही है। मैं जगतार सिंह, सरपंच गांव खोलमोला। ये जो आप नदी का बहाव देख रहे हो, ये नालागढ़ पिंजौर से नालागढ़ हाईवे रोड पे मड़ावाला है। मड़ावाला बस स्टैंड के साथ जो नदी का पुल है वो आज बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ये बीच में ही टूट गया है और दोनों तरफ की जो ट्रैफिक है, जो आने वाले पैदल वाले लोग हैं, वो अलग अलग दोनों किनारों पे रुक गए हैं और आने जाने का यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। आप पानी का बहाव देख रहे हो, पानी बहुत ज़्यादा बह रहा है। अभी भी पानी ज़्यादा आने की आशंका है। सभी लोग जो आप देख रहे हो इधर उधर जाने वाले हैं, बद्दी साइड से पिंजौर कालका चंडीगढ़ के लिए और इधर पिंजौर कालका चंडीगढ़ से मड़ावाला नालागढ़ बद्दी जाने के लिए, ये सभी ट्रैफिक इस टाइम बंद हो गई है। ये पूरा पुल मेरा ख्याल 50-60 पुल फिट के लगभग पूरा छत टूट गया है। पानी का बहाव अभी भी तेज होता जा रहा है। जगतार सिंह, सरपंच खोलमोला। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।